नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एक आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने भाग एक में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि कंपनी शासन जो समय था 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य, जिस पीरियड में कंपनी का शासन था, उस पीरियड से आए हुए क्वेश्चन जो है ना, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, 10 क्वेश्चन रोज। आज उसी सीरीज में भाग दो है, और आज ये भाग दो को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक कंपाइलेशन है सभी अच्छे क्वेश्चंस का जो कंपटीशन में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, और इनके साथ जो एक्सप्लेनेशन जुड़ा है, व्याख्या जुड़ी हुई है, उससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में ज्ञान मिलेगा और डिस्कशन से जो है ना आपको और वैल्यू एडिशन होगा। तो आपके जो भी दोस्त हैं या सोशल मीडिया या डायरेक्ट दोस्त हैं, जो उनको जो है ना ये शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग दो, कंपनी शासन, जो शासन पीरियड था 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य के क्वेश्चंस। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने फारसी तथा बंगला मुद्रण के लिए हलाई के अक्षरों का आविष्कार किया? ऑप्शन ए हॉलहेड, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी विल्किंस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल्किंस। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि विल्किंस के बारे में। विल्किंस ने जो एक फर्स्ट ट्रांसलेटर, उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर दो, उन्होंने एक बंगाली लैंग्वेज में टाइपी फेस, बेसिकली जो ढलाई का मुद्रण के अक्षर है, उसका आविष्कार किया था, बेसिकली उसको बनाया था और उसको पंचानन कर्माकर का नाम दिया था। तो जो बंगला मुद्रण जो उन्होंने बनाया उसको नाम दिया पंचानन कर्माकर। और चार्ल्स विल्किंस जो है ना, इसे एक चीज के लिए और जाने जाते हैं कि उन्होंने जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी उसका डेसिफर किया था, उसको समझाया था कि एक्चुअली में जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है। और ये उन्होंने कार्य किया था 1785 ईस्वी में। उन्होंने एक गोपिका केव इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, और वो जो केव इंस्क्रिप्शन था वो मुखाग्री किंग थे, कोई मुखाग्री राजा थे, जो गुप्ता वंश के जो है ना बाद में आए थे, और अनंत वर्मन उनका नाम था। तो उनकी ये स्क्रिप्ट थी जिसको डेसिफर किया था चार्ल्स विल्किंस ने। उनके इस योगदान के लिए, जो बेसिकली प्रिंटिंग क्षेत्र में योगदान था, तो उनको उसी योगदान के लिए उनको कैक्सटोन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक्चुअली वे विलियम कैक्सटोन थे, उन्होंने जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था इंग्लैंड में, और पहली पुस्तक को जो प्रिंट किया था विलियम कैक्सटोन थे, उन्हीं की बेसिकली एक याद में उनको जो भी कैक्सटोन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है चार्ल्स विल्किंस को। चार्ल्स विल्किंस का एक और महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने हेल्प किया था, मदद किया था विलियम जोन्स की, जो कि 1784 ईस्वी जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, वो विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में, लेकिन उसमें जो है चार्ल्स विल्किंस ने भी उनकी मदद की थी। तो यहाँ एक ऑप्शन है हॉलहेड, ऑप्शन ए, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि हॉलहेड जो है ना, उनको जो है ना, जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग, उनको कहने पर उन्होंने जो हिंदू लीगल कोड थे, बेसिकली पर्शियन वर्जन जो कि ओरिजिनल संस्कृत से लिए गए थे, तो उसको जो है ना उनको ट्रांसलेट किया था, और ये कार्य किया था उन्होंने 1776 ईस्वी में, और ये कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोड ऑफ जेंटू लॉ का किसके कार्यकाल में जो है ना इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन वर्जन से इंग्लिश वर्जन में, और ये वॉरेन हास्टिंग के कहने से हॉलहेड ने किया था 1776 ईस्वी में। और 1778 ईस्वी में उन्होंने फर्स्ट बंगाली प्रेस इंडिया में जो है ना एस्टैब्लिश की थी। तो ये हॉलहेड से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी है। चलिए, इस क्वेश्चन से हमें काफी जानकारी मिल गई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद और राजा के अधिकार को मान्यता दी गई? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1853। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1813।
यहाँ चार्टर एक्ट 1813 से एक जुड़ी बात यह भी है कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है ना, जो कंपनी का एक अधिकार था व्यापार करने का इंडिया के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया था, एक्सेप्ट दो अधिकार, एक तो चाय में व्यापार का अधिकार और चीन के साथ अधिकार, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार ईस्ट इंडिया के बेच के मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ऑप्शन ए प्रथम बार कंपनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तराधिकार सौंपा गया, सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा देने से भारत का आर्थिक शोषण आरंभ हुआ, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जैसे कि हमने डिस्कस किया 1813 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, एक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था, एक्सेप्ट चाय के साथ व्यापार का अधिकार और चाइना के साथ अधिकार का। क्योंकि जैसे ही अधिकार समाप्त हुआ तो यूरोप से बहुत और कंपनियां भी आने लगी और एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, इसलिए ऑप्शन बी सही है। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो इंडियंस हैं भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाना पड़ेगा, और 1,00,000 रुपये सेंक्शन किए थे एजुकेशन पर्पज के लिए, टू अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इस तरीके से ये इसका ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से चीन से व्यापार करने का कंपनी का एक आधिपत्य समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में भी जान लेते हैं कि सबसे पहले इसको एक सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है, चार्टर एक्ट 1833 को, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू एक सेंट हेलेना आइलैंड है यूके के पास, उसको जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को बेसिकली ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू के द्वारा ही जो प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में जो है ना चार्टर एक्ट 1835 ईस्वी के थ्रू एक एक्ट आया था, उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा, और फाइनली 1836 ईस्वी में पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां नियुक्त हुए चार्ल्स मेटकॉफ नियुक्त हुए, जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी बने और उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पर हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में और जानकारी ले रहे हैं कि 1833 के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको डेजिग्नेट किया था गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडिया, मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे की और मद्रास की, उसको समाप्त कर दिया था और बंगाल के अधीन को डाल दिया गया था। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया चार्टर एक्ट 1833 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से ऑप्शन ए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया, अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया, और उपरोक्त सभी, तो इसका जैसे कि पता चल रहा है कि इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैसे हमने डिस्कस किया कि गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको उनके अधीन या सबॉर्डिनेट घोषित किया गया था, तो पहला ऑप्शन जो है ना उसको जो है ना फॉलो करता है। सेकंड ऑप्शन में जो 1/4 सदस्य हैं गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें से जो है ना उनको विधि विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था, और एक इम्पोर्टेंट बात थी कि इसी एक्ट के माध्यम से यह अधिकार दिया गया था कि अंग्रेज भारत में आप जमीन का भी सौदा कर सकते हैं, उसको खरीद और बेच सकते हैं, ये चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से उनको अधिकार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी, ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1833। जैसे हमने डिस्कस किया जी चार्टर एक्ट 1833 में ये
एक जो हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा की स्थापना की थी, लेकिन 1935 में उसका नाम बदलकर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कर दिया गया था, और 1936 ईस्वी में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए थे चार्ल्स मेटकॉफ, ये अभी डिस्कस किया हमने। तो ये बेसिकली जो इसका सोर्स है वो चार्टर एक्ट 1833 ही है, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना को मंजूरी देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले सकती है। बेसिकली ये एक एक्ट है एसोसिएटेड, उसमें बात कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किसी भी समय समाप्त हो सकता है और सारा अधिकार क्राउन अपने हाथ में ले सकता है। आपके ऑप्शन है 1813, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1833 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1853। चार्टर एक्ट 1853 आया था, उसमें मेंशन किया गया था कि कंपनी का अधिकार किसी भी समय समाप्त हो सकता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन का अधिकार भारत में ब्रिटिश इंडिया में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1833 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1853। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853 से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके डायरेक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि एक ब्रिट्स इंडिया एक्ट आया था जो कि 1784 ईस्वी में आया था, उसमें जो है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वहीं से ही जो है ना ये डायरेक्टरों की संख्या 21 से 18 जो है ना घटा दी गई थी वो 1853 चार्टर में, और ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको फाइनली अबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। कब? इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद। तो इस तरीके से जो डायरेक्टर थे, तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जिनका मेन पर्पस कमर्शियल अफेयर को देखना था, इनकी संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी थी चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। चार्टर एक्ट 1853 से जुड़ी एक और बात है कि इसमें जो है ना 6 नए मेंबर ज्वाइन किए गए थे वो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इस तरीके से वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो चार्टर एक्ट 1853 से एसोसिएटेड है कि सबसे पहले इसी चार्टर एक्ट में एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। उसका पर्पस जो था जो लेजिस्लेट करना, मतलब विधायिका के रूप में जो है ना एक एस्टैब्लिश किया था जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम से जाना जाता है, जो कि चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से ही इस्टैब्लिश की गई थी। इस तरीके से चार्टर एक्ट 1853 से कुछ और जुड़ी बातों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से चार्टर एक्ट में सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई थी? 1813 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1853। 1853 में एक ओपन कंपटीशन की जो है ना व्यवस्था की गई थी। एक्चुअली में 1833 में इसको शुरुआत किया गया था, लेकिन जो वहाँ के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने मना कर दिया था। फाइनली 1853 का जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट, उसमें इसकी व्यवस्था की गई थी और एक मैकाले कमेटी का भी गठन किया गया था 1854 में इसी एक्ट के बाद, और उसको कहा गया था कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, यानी मैकाले कमेटी और सिविल सर्विस के ऊपर जो है ना कमेटी वो 1854 में इसी एक्ट के बाद जो है ना एस्टैब्लिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी? चार्टर ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1853। एक्चुअली मैं इसमें एलिमिनेशन भी लगा सकती हूँ कि 1858 तो होगा नहीं क्योंकि चार्टर एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन से भी खेलना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी 1853। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1853 चार्टर एक्ट में ही बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज 10 सवाल कंप्लीट किए, और इसी तरीके से रोज ये सीरीज करेंगे और
सबसे पहले जो हमारा पाठ है उसमें कंपनी रूल के अंतर्गत 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य जो भी क्वेश्चन आए हैं इसमें चार्टर एक्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे और डिफरेंट जो है ना पॉलिसीज आई थी इस पीरियड में वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करे और आपको ये प्रेजेंटेशन ये क्वेश्चंस और कैसा लगता है और जो बीच बीच में जो पूरी डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन होती है कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अगर अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक भी दबाइए, क्योंकि दोनों से ही इंस्पिरेशन मिलता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और अपने दोस्तों के बीच में आपसे अनुरोध है विनम्र कि शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगी ये। और चलिए आज के दिन की समाप्ति यहीं से करते हैं, नमस्कार।